आप देख रहे हैं बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा क्लासिक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फॉरेस्ट गम की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड की फिल्मों का बॉलीवुड अडेप्टेशन हमेशा नहीं चलती। इससे पहले बॉलीवुड कई हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी रीमेक बना चुका है और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की है। और आज हम आपको कुछ उन्हीं फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे लिस्ट पर सबसे पहली मूवी का नाम है जिंदा, जो कि ओल्ड बॉय की रीमेक है। पार्क चैन वूक की दक्षिण कोरियन मास्टरपीस फिल्म अभी तक की सबसे बड़ी रिवेंज लेने वाली फिल्म मानी जाती है। बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता ने इस फिल्म से इंस्पायर होकर ही जिंदा फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, संजय दत्त, लारा दत्ता और सेलिना जेटली थे। इसमें संजय दत्त ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है कांटे, जो की रीमेक है रिजर्वायर डॉग्स की। हॉलीवुड फिल्म रिजर्वायर डॉग्स को निर्देशित करने के बाद निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो को अलग फिल्म मेकर्स की लीग में जगह मिल गई थी। ठीक उसी तरह डायरेक्टर संजय गुप्ता ने इस फिल्म से प्रेरित होकर बॉलीवुड फिल्म कांटे बनाई थी। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार थे। फिल्म की कहानी 6 ऐसे लोगों की है जिन्हें गलत तरीके से लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। वहां वे सभी मिलते हैं और रिहाई के बाद वो उस बैंक को लूटने की प्लानिंग करते हैं जहां पुलिस वालों की सैलरी जमा होती है। लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है चाची 420, जो कि रीमेक है मिसेज डाउटफायर की। रॉबिन विलियम्स की मिसेज डाउटफायर से इंस्पायर होकर कमल हासन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म में कमल हासन चाची बने थे और उनके साथ अमरीश पुरी, ओम पुरी, परेश रावल और नासिर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी शामिल थे। फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी को दिखाती है जो अपनी बेटी से मिलने के लिए नानी का रूप रख लेता है। लिस्ट पर चौथे नंबर पर है सरकार, जो कि रीमेक है द गॉडफादर की। फिल्म द गॉडफादर में कोपाला के क्लासिक की स्मेल और टेस्ट था। भारतीय डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने इस फिल्म से प्रेरित होकर ही सरकार बनाई। द गॉडफादर की हिंदी रीमेक फिल्म सरकार भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म का हिस्सा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, के मेनन और कैटरीना कैफ थी। फिल्म की कहानी एक प्रभावशाली व्यक्ति की है जिस पर एक राजनेता की हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। जब वो जेल चला जाता है तो उसका बेटा उसकी विरासत और गद्दी को संभालता है। लिस्ट पर पांचवें नंबर पर है संघर्ष, जो कि रीमेक है द साइलेंस ऑफ द लैम्स की। द साइलेंस ऑफ द लैम्स अब तक की बेस्ट आइकॉनिक फिल्मों में से एक है और जिसे जोनाथन डेमे ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से प्रभावित होकर इंडियन डायरेक्टर तनुजा चंद्रा ने फिल्म संघर्ष बनाई थी, जिसमें प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार और आशुतोष राणा ने एक्टिंग की थी। हालांकि बॉलीवुड स्लैप्स हॉलीवुड स्लैप्स का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट रही थी। लिस्ट में छठे नंबर पर है बाजीगर, जो कि रीमेक है अ किस बिफोर डाइंग। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स डियर्डन द्वारा निर्देशित फिल्म अ किस बिफोर डाइंग से प्रेरित होकर ही अब्बास मस्तान ने फिल्म बाजीगर को डायरेक्ट किया था। फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और फिल्म को 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। फिल्म में शाहरुख खान के एंटी हीरो परफॉर्मेंस को आज भी याद किया जाता है। लिस्ट पर सातवें नंबर पर है हम तुम, जो कि रीमेक है व्हेन हैरी मेट सैली। साल 1979 में हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब हेनर द्वारा निर्देशित फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। लगभग 15 साल बाद बॉलीवुड डायरेक्टर कुणाल कोहली ने इस फिल्म से इंस्पायर होकर फिल्म हम तुमको निर्देशित किया था। फिल्म में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने जबरदस्त एक्टिंग की और ऑडियंस का दिल जीत लिया। लिस्ट पर आठवें नंबर पर है सत्ते पे सत्ता, जो कि रीमेक है 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स। साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स को स्टेनली डोडेन ने निर्देशित किया था। इसके बाद साल 1982 में राजे सिप्पी ने इस फिल्म से प्रेरित होकर फिल्म सत्ते पे सत्ता बनाई थी और जिसमें आरडी बर्मन का साउंड ट्रैक था और अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी लीड रोल में थे।
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लिस्ट पर 9वें नंबर पर है ब्लैक, जो कि रिमेक है द मिरेकल वर्कर की। ऑर्थर पेनी द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म द मिरेकल वर्कर हेलन केलर और उनके टीचर एनी सुलिवन के जीवन पर आधारित फिल्म थी, जिससे प्रेरणा लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने फिल्म ब्लैक का निर्देशन किया। हिंदी रिमेक में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने टीचर और स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही थी। लिस्ट पे नंबर 10 पर है जो जीता वो सिकंदर, जो कि रिमेक है ब्रेकिंग अवे की। क्या आप जानते हैं आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो जीता वही सिकंदर साल 1979 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित थी। जो जीता वही सिकंदर के गाने पहला नशा आज भी लोगों के जुबा पर रहता है और फिल्म में पूजा बेदी, कुलभूषण खरबंदा, मामिक और दीपक तिजोरी सहित अन्य कलाकारों ने बढ़िया काम किया था और ये फिल्म भी सुपरहिट रही थी। लिस्ट में 11वें नंबर पर है शोले, जो कि रिमेक है द मैग्निफिकेंट 7 की। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी निश्चित रूप से जॉन स्टेगर्स द्वारा निर्देशित फिल्म द मैग्निफिकेंट 7 से प्रेरित थे, जो मूल रूप से जापानी फिल्म 7 समुराई से प्रेरित थी। हॉलीवुड फिल्म में 7 लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक गांव के डाकुओं से बचाने के लिए लाया जाता है। हालांकि शोले में केवल जय वीरू होते हैं, लेकिन उन्हें भी रामगढ़ को डाकुओं के चुंगल से बचाने के लिए ही लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बॉलीवुड मूवी के लिस्ट जो हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड थी। सो आपको इनमें से कौन सी मूवी पता थी वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।